दोस्तों आपका स्वागत है फोटोशॉप की एक नई वीडियो में। हम आज आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाले हैं ये जीवा का एंड्रॉयड प्लेयर, जो कि बहुत ख़ास है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी जो क्वालिटी है वो आपको इम्प्रेस करने वाली है। तो देखते हैं, इसको आज अनबॉक्स करते हैं और फंक्शन भी चेक करके देखेंगे। यहाँ मैं सेट कर लेता हूँ कैमरे को, ठीक है, और इसे ओपन करके देखता हूँ। ये वारंटी कार्ड इसमें मिलता है हमें, इसके साथ हमें ये नाइन इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉयड प्लेयर जो कि है एंड्रॉयड 10, और हमें मिल जाता है ये एक्सेसरीज के लिए इसकी वायरिंग हार्नेस का सेट। इसमें हमें सभी वायरिंग हार्नेसेस मिल जाती है। ये है माइक, ये यूएसबी, ये दूसरी यूएसबी, ये है एंटीना, ये है जीपीएस एंटीना, और ये है आप इसमें एक्चुअली इस सेट के अंदर सीधे सिम लगते हैं, तो उसके लिए एंटीना है 5G और 4G के लिए। ये इसका वायरिंग है और ये है सिम स्लॉट, यहाँ पे आप सीधा इसमें सिम लगा सकते हैं, और दूसरा एक सिम इसमें डायरेक्टली यूनिट के अंदर भी लगता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिम, यहाँ पे आप सीधा सिम लगा सकते हैं। ये है कैमरा, तो चलिए आप देख लेते हैं, अभी इसे ऑन करते हैं। ये तो एक्सेसरीज उठा के हम साइड में रख लेते हैं। अभी ऑन कर देते हैं हम, और आप देखेंगे कि इसका जो लोगो है वो जीवा का ही है, ब्रांड का। उसके बाद फिर ये ओरिजिनल गूगल दिखाएगा। ये इसका मेन इंटरफेस है, ये मेन मेनू, इसकी जो मेन थीम है वो इस टाइप की है। इसमें यहाँ गूगल का मैप आपको दिखेगा, और इधर आपकी जो गाड़ी जितनी भी स्पीड से चल रही होगी वो यहाँ पे शो करेगी। रेडियो पे अगर आपको जाना है तो यहाँ से आप जा कर के सीधे रेडियो पे जाके सेटिंग कर सकते हैं, अपने चैनल्स को यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद में कार लिंक है, कार लिंक में आप जाके अपने फ़ोन से थ्रू वाईफाई और थ्रू यूएसबी के एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आप देखेंगे एक इक्वलाइजर का जो इसका फंक्शन है वो यहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल देखने को, जिसे DSP बोलते हैं। और चैनल आप जैसे मर्जी सेट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद ये हम जाके देखते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप देख रहे हैं। सेटिंग्स में हम देख लेते हैं, तो ये आप वाईफाई की यहाँ पे पूरा सेटिंग देख रहे हैं, और यहाँ पे सिम इन्फो करके थर्ड ऑप्शन है, इसमें आप जाके देख सकते हैं कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों अभी एम्प्टी हैं, क्योंकि हमने सिम नहीं डाला हुआ है। सिम डालेंगे तो यहाँ पे उसकी वो पूरी डिटेल दिखाएगा। उसके बाद आप मोबाइल डाटा, ऐप कॉल्स और SMS वगैरह यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो डिवाइस है, डिवाइस में आप
डिस्प्ले साउंड, कैसी आपको आउटपुट चाहिए, जनरल, फैक्ट्री, यूजर, सिस्टम, अबाउट डिवाइस। अगर हम डिवाइस के बारे में देखना चाहें तो यहाँ हमें पता चलेगा कि जो सीपीयू है वो है ऑक्टा कोर 1.6 गीगाहर्ट्ज का, 2GB मेमोरी और 32GB स्टोरेज के साथ में है। एंड्रॉइड वर्जन इसका 10 है, ये देखिए। एंड्रॉइड 9 इंच और 10 इंच में बहुत बड़ी लूट होती है कि दिखाते कुछ हैं अंदर कुछ और निकलता है, लेकिन आप जब यहाँ पे टैप करके किसी भी एंड्रॉइड वर्जन पे आप टैप कीजिए और पता चलेगा आपको एक्चुअल क्या है। तो ये एंड्रॉइड 10 है तो 10 है दिखा रहे हैं। ये फुल HD स्क्रीन है, इसका टच जो पैनल है आपको यूज़ करने से पता चलेगा। जब आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे इसके अलावा आपको जो दूसरे टच स्क्रीन होंगे वो बिल्कुल बकवास लगेंगे। इसका इतना सॉफ्ट और इतना रियल रेस्पॉन्सिव टच है कि आपको एक टच भी मिस नहीं जाता है इसमें। यहाँ एक बटन दिया हुआ है जिससे आपका ये शॉर्ट मेनू खुलता है। आप जाएँ तो होम पे जा सकते हैं, ऐप्स पे जाएँ तो ऐप पे, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं उन्हें।